नमस्कार आणि आलानो आज आम्मी मराठी विषया पांचवी धड़ा दादासपत्र अभ्यास करना आहोत ये दादास पत्र मजे एक बहिणी अपने भावाला एक पत्र लिखित लिखित या पत्रा का पत्रा पत्राचा प्रकार कसा है या पत्र संबंधी चर्चा आम्मी कर आहोत दिनांक 25 एक 2020 प्रिय दादा सप्रेम नमस्कार बहन अपने भाई को पत्र लिख रही है दादा कालच्वी सलीला जाऊन आली बड़े भाई दादा कौन बड़े भाई को कालचमी सहलीला जाऊ नाले पिकनिक सहल बिक्री की कल मैं वहाँ से सहल से घूम के आई अरे इतकी मज़ा आली काय सांगू इतना मज़ा आया कि क्या बताऊँ या महीनिया विज्ञान केंद्र तरफे आमचा शाड़े पक्षा संबंधी चित्रफित दाखवली इस महीने विज्ञान केंद्र की तरफ से हमारे विद्यालय में पक्षियों से संबंधित चित्र दिखाए गए ती पाहुन आड़ी तेवा ताई दादानी माहिती माहून उसको देखकर और ताई दादानी सांगीतली माहिती उनकी जानकारी को समझकर कर या वर्षी सालीची एक अभयारण्यत न्यायची त्यायी असाहट आम ही शिक्षा शिक्षक जीवन धड़ला तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि हमें कहीं भी अभ्यारण्य सेंक्चुरी जहाँ पर पक्षियों की सेंचुरी वहाँ हमको दिखाने के लिए ले चलिए हमने उनसे आग्रह किया सहरी च दिवसी आमी पहाटीच निकालो जिस दिन हमारा सहल जाना था उस दिन हम लोग सुबह निकल गए पार्टी मजे अर्ली मॉर्निंग सोलापुर बार्सी मार्गावर पर बावीस किलोमीटर अंतरावर असले नानज नानज गाँवजवण मालढ़ोक अभयारण्य है सोलापुर बारसी मार्ग पर बाईस किलोमीटर दूरी पर नानज गांव के पास मालढोक अभयारण्य है तरलीला बेड़ी आमितिथे पहुँच लो निश्चित समय पर हम लोग वहाँ पहुँच गए फिर फिरत सर संगत होते अभयारण्य में घूमते समय हमारे सर गुरु जी बता रहे थे कि तून नष्ट होनेचा मार्गावर असलेला मालढ़ोक भारत में मालढ़ोक पच्ची समाप्त होने की कगार पर है इसको देखते हुए अत्यंत देखणिया बच्चाला बचाया साठी पक्षी को बचाने के लिए वन विभाग न हे अभयारण्य घोषित करना आए, उन पक्षी को बचाने के लिए इस इसको वन विभाग ने अभयारण्य घोषित किया है मालडोग पक्षी शेतकिया मित्र है मालडोग पक्षी किसान का मित्र है कारण सेता तिल किड़ियाँ वरतो गुजराण कर तो इसका कारण है कि खेती में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाकर वो अपना गुजारा करता है उससे क्या होता है कि खेती नष्ट नहीं होती कीड़ों के द्वारा नष्ट होने वाली खेती बच जाती है आप पक्षी वर्षा तो उनच अंडी घाड़त यह पक्षी वर्ष में केवल एक बार ही अंडे अंडे देते हैं असल आचे त्याची संख्या कमी है इसका यही कारण है कि उनकी संख्या बहुत कम है सिवाय इतर प्राणियानी मालढोक पछाची अंडी तोड़ ली अगर किसी दूसरे पक्षी ने इसके अंडे को तोड़ा तो उसकी संख्या और भी कम हो जाती है तर संख्या अड़खीनेच कमी होते दादा हमी हाँ मालढोक पक्षी अगदी जबड़न व निरखून बगितला और भी जाकर पास से देखा काय त्याचा रंग क्या उसका रंग था क्या त्याची चूच उसकी चोच कैसी थी इतका का देख रहा पक्षी मी यहाँ पूर्वी कभी ही बघितला न बता इतना सुंदर पक्षी इसके पहले मैंने कभी देखा नहीं था मालडोक पक्षियाँ बरोबर चामी चंडोल माल तसेच तसे इतर पक्षी ही पाई ली मालडोक पक्षी के साथ साथ हमने चंडोल माल और इसके अलावा अन्य पक्षियों को भी देखा हम चा शिक्षकानी मालडोक पच्चे फ़ोटो कैमरा टिपली हमारे सर ने मालडोक पच्ची का फोटो अपने कैमरा से खींचा बच्चनचे फ़ोटो काढ़ने पूर्वी वन खात्याच पूर्व प्रवानगी घावी लागते पच्चियों का फोटो निकालने से पहले वन विभाग की परमिशन लेनी आवश्यक होती है ही अमहला ने बे अन समझ मुझे अब जाके पता चला पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक का है पक्षी संतुलित पर्यावरण का एक अभिन्न घटक है जिस प्रकार से पर्यावरण में नदी जल जंगल पर्वत पहाड़ हवामान जानवर सब आवश्यक हैं उसी तरह से ये भी पर्यावरण के संतुलन के लिए पक्षी भी एक अविभाज्य घटक है प्रदूषण टाणिया प्रदूषण को दूर किया जा सकता है बिया बियांचा वहन विभिन्न प्रकार के बीजों का वहन इनके द्वारा किया जाता है इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है ये आमचा साराना संगीत लेला ये हमारे सर ने बताया हमारा पटना हमें समझ में आया आमची सहल अविस्मरणीय झाली हमारी जो सहल थी वो अविस्मरणीय हुई थी दादा अभ्यारण्यत फिरला फिरता ना मला तुझी खूब आठवण तुम्हारी बहुत याद आई अभ्यारण्य में घूमते समय हमें तुम्हारी बहुत याद आई कारण तुला ही पक्षी खूब आवड़ता कारण कि तुम्हें भी पक्षी बहुत पसंद हैं इकड़े मी आई बाबा मजेता हो इधर मैं माँ और पिताजी के साथ मजे में हूँ आनंद से हूँ तू कछा कसा आहेस तू कैसा है तुझे अभ्यास कैसा शुरू है तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है पत्र मिलताज तुझे खुशाड़ी गढ़ो पत्र मिलते ही तुम कैसा है अपने बारे में बताओ आमी तुझे तुझे पत्र ची बाट बगत है मैं तुम्हारे पत्र का इंतजार कर रही हूँ तुझे भीण बहीण ऐसा आज हम ही इते पर्यत या पाठाची अभ्यास करना आहोत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आम्ही प्रश्नांचे उत्तर आणि अनेक दिलेली माहिती शब्दकोळे सोडवा सोडूया सुनाफल सूचना फलक वाचन करणा और सूचना फलकाच्या आधारे प्रश्नांची उत्तरे पुढच्या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत सर्वांचे धन्यवाद